peacefully on a dharma. See that these protesters, in fact, covered a distance of about 2 kilometers on this particular road. These protesters who are, if I gather here, feel that more than just demanding justice from. आज मुझे वो फिर से दिखी, न जाने क्या राज छुपा है उन आंखों में, जो बिन कहे हजार सवाल छुप जाते हैं। Ma'am, can I have a look at the register? Thank you, ma'am. Thank you.
Hi. Hi. Thank you so much. Ye book really bahut special. Can we go for a cup of coffee? Thank you.
आज जो हुआ काश मैं उसे होने से रोक पाती, काश मुझे वक्त के सामने झुकना ना पड़ता। मैं उस इंसान का दर्द महसूस तो कर पा रही थी, लेकिन उसे अपने जुबान पे नहीं ला पा रही थी। ईश्वर ने मुझसे मेरी आवाज छीन ली। आयुष, मैं बोल नहीं सकती, पर सुन सकती हूँ, समझ सकती हूँ। आवाज शब्द का मुझे मतलब तो पता है, पर इस शब्द को बोल नहीं सकती, और दुनिया मुझ जैसे लोगों को अपाहिज कहती है। मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। हमेशा तो कहते रहते हो। हां कहना है। नहीं बात है। चल चल बोल बोल। हां तभी तो बोल रहे हैं। चल।
कुछ दिन पहले मैं एक लड़की से मिला था। लड़की से मिला था और क्या बात है, लड़की से बताओ हुआ क्या है। लड़की से तो मिला था, वो तो ठीक है यार, मैं उसे प्यार करने लगा। पर एक प्रॉब्लम है, बकवास बंद करो, वो गूंगी है। मैं लुल्ली तो नहीं है। सॉरी यहाँ मैं तुम लोग से हेल्प मांग रहा हूँ। देखो दोस्त, खुद सोच के देखो, अगर ये बात तुम्हारे पापा मम्मी को पता लगेगी तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? खुद सोच, एक मिनट टाइम ले और सोच। हाइपर होने वाली कोई बात नहीं दोस्त, प्यार होता है, हर किसी को होता है, पर लाइफ में ये भी तो सोचो कि आगे क्या होने वाला है। लड़की गूंगी है यार, कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारा, बच्चे पैदा होंगे, क्या बात करेंगे वो मम्मी से, जब मम्मी कुछ बोल ही नहीं पाएंगी। तो भाई ऐसा नहीं होता। अबे ऐसा नहीं होता है, होता है भाई, प्यार अंधा होता है। क्या सोसाइटी समझती है? नहीं समझती है दादा, नहीं समझती है। इंसान को सोसाइटी के हिसाब से चलना पड़ता है। एग्जैक्टली, जैसी सोसाइटी वैसा इंसान होता है। सही बोल रहे हो, सही बोल। सोसाइटी ही इंसान को बदलता है, इंसान नहीं बदल पाता है दोस्त। तुम्हें सोचना पड़ेगा दोस्त, टेक योर टाइम, सोचो इस बारे में। तलपती आग में जल सकते हैं, आंधी के खौफ में थम सकते हैं, तूफान की गोद में खेल नहीं सकते, आखिर इंसान ही तो हैं। अंगारों पे चल भले ही, पर डूब नहीं सकते। तुम बस मेरी बात सुनो, I'm really sorry। उस दिन जो भी हुआ, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। मैं कल शाम 5 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। कृति, आई लव यू, आई रियली लव यू, पर इस सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। पर तुम चिंता मत करो, मैं सबको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। प्लीज वेट, मेरी बात तो समझो, थोड़ा वक्त दो मुझे, प्लीज कृति, मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कृति कहाँ जा रही हो? कृति प्लीज वेट, कृति। मैं भी आपके दुनिया की भीड़ का एक चेहरा हूं, पर इन राहों पे अकेले चलना मेरी मर्जी नहीं, मेरी मजबूरी है। मुझे आपका सहारा नहीं, आपका साथ चाहिए। सोचने की शक्ति मुझमें भी है, पर दुनिया तक पहुंचाने के लिए आप जैसों की आवाज चाहिए। ये खूबसूरत दुनिया मैं भी देख सकती हूँ, पर इसकी तारीफ चाह कर भी नहीं कर पाती। माँ को आवाज देकर पुकारना, पापा को जिद करके मनाना, भाई बहन से खिलौने के लिए लड़ना, दोस्तों से रात रात भर बातें करना, ये सब मैं भी करना चाहती हूँ। कभी सोचती हूँ कि आपकी नजरों से दुनिया कैसी दिखती होगी। फर्क शायद यही होगा कि वो आपकी सुनते होंगे, पर मेरी कौन सुनेगा? लेकिन क्या ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही है? नहीं, न जाने कितनों की अनकही आवाज अनसुनी हो जाती है, कितनों का प्यार प्यार नहीं नफरत हो जाता है। तो क्या हम यही रुक जाएं, उदास होकर यही थम जाएं? समाज तो यही कहता है, लेकिन नहीं, हम जिएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ये राह में चलने का हक सिर्फ उन्हें नहीं है, हमें भी है, और हम चलेंगे, हम चलेंगे।